फिर से लिखिए में मदरसा है चिश्तिया हबीबिया में हम लोग जमा हुए और आज इन बच्चे बच्चियां से इंशाल्लाह हम दुआ के मुतालिक कौन की जगह पर दुआएं कबूल होती है। पहले दुआ करे या इलाही रहमतुल्लाह मुस्तफा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम के लिए खुदा के वास्ते मुश्किल हल्का रुसा है मुश्किल तुसा के वास्ते करबला है शहीद करबला के वास्ते कादरी कल कादरी रब कादरियों के उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते दुआ करे अल्लाह हमारे पीर मुर्शिद खाजा अबीउल हसन चिश्ती कादरी सोबती की अल्लाह उम्र बरकत अता फरमाए उनके औलादों की उम्र बरकत अता फरमाए और हमारे हाजी अब्बास बाबू और बख्शिशी अता फरमाए हमारे अब्दुल हमीद बाबू वकील बाबू और हमारे इरफान बाबू हाजिर सबके उम्र बरकत अता फरमाए। अब इंशाल्लाह आला हजरत ने अपने वालिद मोहतरम ने जो किताब लिखी थी उसमें 21 दुआएं जो 21 जगह पर 21 मकामात पे दुआएं कबूल होती है आला हजरत ने और 22 मकामात बताए टोटल 43 ऐसी जगह है जहाँ दुआएं कबूल होती रद्द नहीं होती। इनमें से इंशाल्लाह हम इन बच्चों से सवाल करेंगे जो आला हजरत ने 43 दुआ की बताई वो कौन कौन से मकामात जहाँ दुआएं कबूल होती रद्द नहीं होती। सबसे पहले मैं इंशाल्लाह सुहान भाई से सवाल करता हूँ बताओ वो कौन सी जगह है जो आला हजरत ने 43 जगह पर किताब में लिखी है कि वो मकाम वो जगह पर दुआएं रद्द नहीं दुआएं कबूल होती है। सबसे पहले बताओ वो कौन सी जगह है सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह जवाब सही है कहो सुभानअल्लाह। काबा शरीफ है जो वहाँ रुकन यमीने है वहाँ दुआएं कबूल होती है कहो सुभानअल्लाह। अब बताओ इंशाअल्लाह कि कौन सी जगह है जहाँ दुआएं कबूल है दूसरी जगह बताओ मकाम इब्राहिम सुभान अल्लाह जवाब सही है मकाम इब्राहिम जहाँ इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के आलादत फरमाते हैं यहाँ भी अल्लाह दुआ कबूल अता फरमाता है। अब इंशाल्लाह जो 43 जगह पर दुआ कबूल होने की जगह बताई वो मकाम बताओ तीसरा कौन सा जगह है सुभान अल्लाह जवाब सही है इसलिए कि अल्लाह ने कहा कि काबा शरीफ की पहली निगाह पर जा काबा शरीफ पर दुआएं कबूल होती है कबूल सुभान अल्लाह। अब बताओ वो चौथी कौन सी जगह है जहाँ दुआएं खड़े लेकर दुआएं कबूल होती है जमजम का कुआ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए बच्ची जहाँ जमजम का कुआ है वहाँ दुआएं कबूल होती है कबूल सुभान अल्लाह। अब बताओ 43 जगह पर जो आला हजरत ने कहा कि दुआएं कबूल होती है वो दुआ कौन सा मकाम है तुम बताओ सुभान अल्लाह सफा मरवा के तमाम करते हो दुआएं कबूल होती है कबूल सुभान अल्लाह। अब तुम बताओ आला हजरत एक मजार की भी बात कही है कि एक मजार भी जब दुआएं रद्द नहीं दुआएं कबूल होती है मजार पे ऐसे की दुआएं कबूल होती है लेकिन वो मजार बताओ जहाँ दुआएं कबूल होती है सुभान अल्लाह ख्वाजा खाजगां अताए रसूल सुल्तान हिंद का मजार है जहाँ जो आता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल अता फरमाता है। और मुझे याद आए ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। बहुत बेहतरीन आप लोगों ने सवाल जो मैंने किए आप लोगों ने जवाब दिए दुआ है कि अल्लाह जितने लोग ये बच्चे है हबीब चिश्तिया में जो तालीम ले रहे मौला सब के खिदमत को कबूल अता हरमा आज के सवाल जवाब में जो कुछ मेहनत करके आए मौला इनकी मेहनत को कबूल अता हरमा। ये हमारे तीन साके है एक लंगा के डालिए पानी के पर्व के पास है पंजातने जो मकान है वहाँ है एक रतन में मस्जिद के अंदर है और एक यहाँ तीन साके है। आप अपने बच्चों को कुरान सिखाइए ताकि इंशाल्लाह दुनिया आकर तुम्हारी समझ जाएगी। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि कुरान जो पढ़ता है वो अल्लाह से कलाम करता है कहो सुभान अल्लाह। पूरे दिन में एक रुकू जरूर पढ़ा करिए ताकि एक एक हरफ पहला दस दस नेकियां आता हरमाता है और एक एक फरिश्ता पैदा हरमाता है और कुरान को आदमी पढ़ता है तो अल्लाह दुआएं कबूल अता हरमाता है। इस घर में घर भर के तनाजिल अता हरमा इस मदरसे है चिश्ती हबीबिया में मौला
फिर उभर नजर हरमा पूरे इलाके में तेरी नूर की बारिश आता हरमा, कोई बीमार तो सिफाई कामिला आता हरमा, हम सभी को खाजा खिजर अले सलात और सलाम की तरह उम्र में बरकतें आता हरमा, बोला कितने लोग आए सभी को दीन और दुनिया के कामों के अंदर कामयाबी आता हरमा, इसी तरह इल्म सीखने का जज्बा आता हरमा। अब इंशाल्लाह प्रोग्राम ही खत्म होता है, आप प्रोग्राम देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।